आई होप उनको खाना अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों कैसे हाल चाल है आपकी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपका मेरी किचन में। आज व्लॉगमास का पहला दिन होने वाला है और आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो व्लॉगमास है, पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं, पर हम कोशिश करेंगे कि हम करें, पर इसमें काफी दिन मिस हो जाएंगे, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा क्यों। सो किचन में मैं क्यों हूँ, आज हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं बना रही हूँ डिनर। और मैंने ज़्यादातर मैं उस समय पर शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हूँ, कुक करने के लिए पैनिक होती हूँ एंड, पर आज मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा शूट करते हैं, पूरी डिटेल में पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, पर कोशिश करेंगे। सो आपको मेन्यू बता देती हूँ आज का क्या मेन्यू है। देखिए वो बहुत लेट आने वाले हैं तो ज़्यादा स्नैक्स नहीं है। मैंने स्नैक के लिए बनाने वाली हूँ मज़ेदार स्पाइसी आलू पैटी, जो मैंने पहले भी काफ़ी बार बनाई है पर उनको हमने कभी खिलाई नहीं है, शायद उनको अच्छी लगेगी। सो आलू पैटी बनाने वाली हूँ और डिनर में बनेगी, एक तो मैं कढ़ाई पनीर बनाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार बनाती हूँ मैं। दूसरा मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, वो स्लो कुक हो रही है सुबह से, सो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है। तीसरी मैं चीज़ बनाने वाली हूँ चिकन करी एंड देन हम बनाएंगे रायता, सैलड, राइस एंड ऑल्सो रोटी के लिए हम यूज़ करेंगे बहुत ही डिलिशियस थी नान ब्रेड। सो शुरुआत करते हैं, दाल को मैंने ऑलरेडी रख दिया है। आज मैंने मेरे सारे मसाले को पीस के रख लिया है, गार्लिक एंड चिली को एक साथ, जिंजर, टमेटो एंड देन अनियन भी, पर दाल में मैं अनियन को स्किप करती हूँ क्योंकि वो बिना अनियन के ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और ये सारे काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुकी है, सो सबसे पहले मैं डिशेस को क्लीन कर लेती हूँ ताकि काम करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाए। और आज मेरा बहुत अच्छा दिन नहीं है, आज मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है क्योंकि कल मैंने, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा काम कर लिया कुछ, मैं क्लीन कर रही थी अपस्टेयर्स एंड और भी आई डोंट नो व्हाई, एंड मुझे सायाटिका की प्रॉब्लम भी है बट ये सायाटिका नहीं है, सिर्फ लोअर बैक में पेन हो रही है और झुकने में मुझे दिक्कत आ रही है, सो मैंने पेन किलर खाई है। एंड दूसरी चीज़ मैंने ना एक मैं हीटिंग पैड नहीं होता जो स्किन के साथ एडहेसिव होते हैं, जुड़ जाते हैं, पैरों के लिए लिए थे और मुझे मेरे गर्म पानी वाली बोतल मिल नहीं रही थी तो मैंने उसको चिपका लिया है 3-4 अपनी कमर पे और वो इतनी अच्छी हीट क्रिएट कर रहे हैं ना, मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और ये मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, मुझे लग नहीं रहा था ये शूट करूँ। इसकी जो रेसिपी है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। अच्छा काम हमने ऑलरेडी कर लिया है, थोड़ा आपके सामने कर लेंगे एंड देन वी आर डन। और यही वो रेसिपी है जो मैं बटर चिकन में भी यूज़ करती हूँ एंड बहुत अच्छा बनता है, पर ये किसी रेस्टोरेंट की रेसिपी है एंड जिस रेस्टोरेंट की है वो बंदे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड उनकी रेसिपी नहीं है। बाय द वे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और उनके रेस्टोरेंट से खाना खाना चाहते हैं तो ज़रूर से जाएँ, उनको उनका बटर चिकन, मुझे लगता है कि आज तक जितने भी हमने बटर चिकन खाया है सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और उसका नाम है तंदूरी कॉटेज एंड वो है ईस्ट मालवन में। तो ये हमारी कढ़ाई पनीर की सॉस तैयार हो चुकी है। सो आई गॉट सम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स टू रीड देम। What daddy said? Yes. So, हम हमारे जार्स को रीफिल भी कर लेंगे लगे हाथ। जीरा क्यूटी भी लो हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं हरी इलायची से। $4.49 a normal price? No.
इट्स टू मच। तो ये वाली सब्जियां मैं काटने वाली हूँ कढ़ाई चिकन के लिए। सो हम चंक्स काटेंगे अनियन के, एंड पेपर हमें पूरी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़े अच्छे फ्लेवर के लिए चाहिए, हाफ यूज़ करूँगी मैं। चंक यूज़ करेंगे, ऑल्सो ग्रीन पेपर, ये एक्चुअली पूरी यूज़ कर लेंगे, पिड्डी सी तो है ये। सो मैंने दो कढ़ाइयाँ ऑलरेडी रख दी हैं, हम दाल का तड़का एंड पनीर का तड़का एक ही साथ लगा लेंगे। सो तड़के के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ऑलिव ऑयल आप तड़के में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये एक्चुअली रिफाइंड ऑलिव ऑयल है जिसको आप हीट कर सकते हैं। सो थोड़ा ऐड करेंगे पनीर की डिश के लिए एंड थोड़ा हमारे दाल तड़के के लिए। चिकन करी हम बाद में कुक करेंगे, तो दाल अभी भी हमारी स्लो कुक हो रही है। सो दोनों चीज़ों में ही हम जीरा ऐड करेंगे, सबसे पहले बे लीफ भी ऐड करती हूँ मैं, पर मेरे पास ना बेचारा मुक गया। ओके सो दोनों चीज़ों में हम डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक, नॉट जिंजर एंड गार्लिक, गार्लिक का पेस्ट। लुक एट दिस दाल मखनी गाइस, इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल दाल मखनी बनता है अगर आप इस तरीके से बनाए तो। और कढ़ाई पनीर अभी कुक हो रहा है, जब तक ये घी नहीं छोड़ देता है इसको मैं कुक करूँगी, फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और अब बारी आती है तड़का लगाने की। पैटीज़ के लिए मिक्सचर बनाने वाली हूँ मैं, उसका बहुत ही बेसिक रखती हूँ, सिर्फ जीरा एंड धनिए के सीड्स ऐड करेंगे, सॉल्ट पेपर एंड धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड कसूरी मेथी, एंड एक्चुअली इसमें मैंने थोड़ा सा पेपर भी ऐड कर दिया था, वो जो ऑरेंज कलर का पेपर बचा था उसमें उबले हुए आलू डाल के उसको अच्छी तरह क्रश कर लेते हैं बाद में, अगर कोई कुछ बड़ा भी रह जाए तो इट्स ओके। सो ये पैटीज़ का मिक्सचर बन के तैयार है, पर एक्चुअली मुझे उसको थॉ करने का याद नहीं रहा तो पैटीज़ बनाने के लिए मैं लेट हो गई। And I've been standing on this highlight, waiting till the time's right to make you mine. Ever since the first time देसी फूड हो एंड सिरके वाले प्याज ना हो कैसे चलेगा। सो सिरके वाले प्याज बनाने बहुत आसान है, आप सिरके वाले प्याज के लिए बड़े क्यूब्स में अनियन को काट लें, उसके बाद इसमें आधा क्वांटिटी विनेगर की ऐड करें और आधा बची हुई क्वांटिटी में आप ऐड कर सकते हैं उबलता हुआ पानी, उससे एक तो प्याज रंग छोड़ देगा और प्याज की कड़वाहट निकल जाएगी एंड ये बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर सिरके वाले प्याज बन जाएंगे। और इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अब बारी आती है सैलड बनाने की। मुझसे कोई पूछ रहा था कि तुम सैलड के लिए कौन सा फूड प्रोसेसर यूज़ करते हो, एक्चुअली मैं उसके लिए मैं मेरे हाथ ही यूज़ करती हूँ। बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें मैं मेरे हाथ से ही जूलियन किस्म का कट करती हूँ, क्योंकि मुझे बारीक कटा हुआ सैलड बहुत अच्छा लगता है, आइस को अच्छा लगता है और खाने में भी मुझे लग रहा ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने रायता भी तैयार कर लिया है एंड सैलड भी एंड सिरके वाले प्याज भी।
अब मैंने सोचा कि जल्दी से क्लीन अप कर देते हैं थोड़ा बचा हुआ एंड फिर मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। एंड अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिया, फिर से गंद पड़ गया है क्योंकि मैंने पैटीज को स्टफ नहीं करके रखा क्योंकि वो था ही नहीं था मेरा जो पफ पेस्ट्री था। ओके सो पैटीज को चार ही बनी है क्योंकि मैंने ना डीफ्रोज करने के लिए थॉ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिया। पहले ये बताओ कि इतने दिनों में वीडियो क्यों नहीं डाली तुमने? ऑलराइट दोस्तों, आपको मैंने पता नहीं कभी बताया या नहीं, आज मैं बता देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शाय किस्म का इंसान हूँ। शार्क शाय, आई कांट इवन लुक इन टू माई हस्बैंड आईज। एक बार अपन लोग ना फोटो खिंचवाने चले गए पोर्टफोलियो कराने के लिए, मैं तो देखी हूँ नहीं बहुत। मैं शाय है ना, ताई बची हूँ। बची हूँ कितना? बची हूँ मैं तो देखा जखा बंदी होंगी तो तेरी अखा कर देनी है नहीं हम तो। ओके दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा शाय किस्म का बंदा हूँ। सो कुछ बता रही थी, ओ पेट पैटीज को डीफ्रोज करने है ना, मैंने चेता भूल गया एंड मैंने उसको बाहर नहीं रखा, अभी थोड़ा और समय लगेगा पर मैंने चार अवन में ऐड कर दी। सो यस, बाकी आई थिंक आई एम डन। ओ एक्चुअली मुझे राइस कुक करने है। ओके दोस्तों, तो हमारे मेहमान जा चुके हैं एंड मैंने पूरी तरह क्लीन कर लिया है एंड दिस गाय यहाँ पे है टाइम पास करने के लिए, कुछ चंगा काम तो करता नहीं है ये बंदा। अपना वे किधर रहा कि मेरा ढिड किधर भर जे, मैं की खा ला मैं की पी ला, दैट्स इट। अपनी जनानी का भी होना चाहिए, अपनी खूबसूरत पत्नी का। तेरा की भर जे, तेरा मुंह भर दे के पानी दे ना, मेनू भी पीन। एंड काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, समय हुआ है 10:48। आई होप उनको खाना अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेते अपने आप ही करना, बहुत फूड बढ़िया बनया है। yes. ये तो नहीं पता चलना तो सेम ही है। तो आपको मिलती हूँ मैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय।